सर, ये जो एक पीएसए हमने सुना है 3 बंदों पे लगा, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं किन पे लगा है और क्या मकसद है इसका? जी, पिछले कुछ 2 हफ्तों से पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल तैयार करना शुरू था कि जो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने वाले कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आए थे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें कोई लेडी इन्वॉल्व थी ड्रग जो है ड्रग मेनिस में, और कई सारे हमारे यूथ के बच्चे जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस ने उसके ऊपर डॉजर सबमिट किया और पीएसए लगाया गया है। और एक मैटर में कुछ इंसिडेंट्स बदरवा टाउन में भी हुए थे, जिसमें देखा गया कि जो स्टोन पेल्टिंग के भी इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें स्टोन थ्रोइंग के इंसिडेंसेस में बच्चों को साथ मिलाना और उनको प्रवृत्त करना किसी चीज़ के लिए, तो उसका भी डॉजियर जो है वो पुलिस की तरफ से सबमिट कर दिया गया था, तो उसमें भी कार्रवाई हो चुकी है। और एक केस में जहाँ पे कुछ पुलिस की तरफ से ऑलरेडी 4-5 FIRs लगाए थे किसी XYZ इंडिविजुअल पे जो इन्वॉल्व है जो है बोवाइन स्मगलिंग में, तो उसमें भी लगाया। तो क्या लगता है सर, इससे कितना कंट्रोल होगा? यहाँ पे जो है ड्रग्स का बहुत देखा गया है कि हमने यहाँ पे जो है बच्चे जो है इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, तो इस पर कितनी रोकथाम एडमिनिस्ट्रेशन की? मुझे लगता है जो ड्रग मैनेज का केस था उसमें देखा गया था कि जो भी लेडी वो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थी वो काफ़ी जो है ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें काम हो रहा था, तो मुझे पूरी आशा है कि ये जो है नेटवर्क ब्रेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इनिशिएटिव लेती रहेगी। आइंदा भी अगर कुछ ऐसे नाम अगर सामने आएंगे कि जो ड्रग मेनिसिस में वगैरह इन्वॉल्व है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें की जाएगी। ये एक सिंबल भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयर नहीं करेगी किसी।